welcome you all to this session, another heritage the part, where we are going to talk about Maharani Jind for Punjab. मेरा नाम विक्रम जीत सिंह है, पेशे से मैं एक आईटी कंसल्टेंट हूँ, लेकिन हेरिटेज और हिस्ट्री का शौक मुझे ऐसी स्टोरीज की तरफ खींच के लाता है और आज ऐसी ही एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। ये कहानी मैंने बचपन में सुनी, फिर बड़े होके इसके बारे में थोड़ा दोबारा पढ़ा। जैसे जैसे मैं इसके बारे में पढ़ता गया और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता गया, मुझे लगा कि मैं इसके बारे में बहुत कम जानता हूँ। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर और जितने भी राजघराने थे उनमें से बहुत सारे राजघरानों की कहानियां मैंने पढ़ी, समझी और देखा कि जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया है उन सबका एक ही हश्र हुआ है। आज वैसे ही एक हश्र की हम बात करने जा रहे हैं, हम उस इलाके की बात करने जा रहे हैं जो आखिरी वक्त तक अंग्रेजों से लड़ता रहा। अगर आप हिंदुस्तान के अंदर उन सभी रियासतों के नाम एक कागज पर उतारे और साथ में ये लिखें कि कौन सी रियासत कब अंग्रेजों के अधीन हुई थी, तो पंजाब और उसके साथ मिली हुई सभी रियासतों का नाम सबसे आखिर में आएगा। तो आखिरी में जो कुछ एक रियासतें बची थी उनमें से एक रियासत थी और ये वो रियासत है जहां से सारी कहानी शुरू होती है। जिंद कौर की कहानी नहीं, ये कहानी हिंदुस्तान की है, ये कहानी सभ्यता की है, ये कहानी सिविलाइजेशन की है। मैं बात कर रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की। मैं उस जगह से आज अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि ये वो जगह है जहां से कहा जाता है कि सभ्यता शुरू हुई। ये तक्षशिला और हड़प्पा की जगह है, ये वो जगह है जहां पे 5 दरिया बहते हैं। एक जमाने में ये हिंदुस्तान की सबसे अमीर राज्य, अमीर रियासत, अमीर स्टेट मानी जाती थी, आज नहीं है, कई वजूहात हैं। ये वो जगह है जिसने अपने वक्त में सबसे ज्यादा इन्वेजन्स देखे हैं। अगर आप हिंदुस्तान को ध्यान से देखें तो जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं वो सारे के सारे इसी इलाके से हुए हैं। अलेक्जेंडर से लेकर नादिर शाह तक और अहमद शाह अब्दाली तक किसी ने इस इलाके को नहीं छोड़ा, बल्कि नादिर शाह के बारे में तो ये कहा जाता था पंजाब में कि खादा पीता लाहेदा बाकी नादिर शाहेदा, कि जो आपने खा लिया है वो आपका हो गया, जो निवाला आपके अंदर चला गया वो आपका हो गया और जो निवाला अभी भी आपके हाथ में है वो नादिर शाह लूट कर ले जाएगा, उसको अपना मत कहिएगा। इस माहौल में एक शख्स दक्षिण से चला पंजाब तक पहुंचा और उसने सरहंद को नेस्तो नाबूद कर दिया, जो मुगलों का गढ़ था, सरहिंद था, माधोदास बैरागी, जिसको गुरु गोविंद सिंह जी ने नाम दिया था बाबा बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर दक्षिण से पंजाब तक आए और उन्होंने एक बार फिर सिख परचम कायम किया। कुछ वक्त के बाद बाबा बघेल सिंह धानीवाल अवध को कैप्चर करने के बाद दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली के लाल किले पर उन्होंने केसरी निशान फहराया। इसके साथ ही लाहौर और अमृतसर में महाराजा हरि सिंह ढिल्लों, उन्होंने कब्जा किया और वहां पर भंगी मिसर का राज शुरू हो गया। ये लोग थे तो बहुत ताकतवर और राज भी बहुत अच्छा करते थे, लेकिन इनके राज में एक खामी थी जिसकी वजह से हम ये बात कहने से थोड़ा कतराते हैं कि ये बाकी राज अच्छा करते थे। ये भांग लेते थे जिसकी वजह से इनका नाम भंगी मिसर पड़ा और भांग के नशे में कई बार ऐसे काम कर जाते थे जो इनकी रियाया को और इनकी प्रजा को बहुत अच्छे नहीं लगते थे, जिसकी वजह से लोगों ने परेशान होकर गुजरात की तरफ रुख किया और गुजरात में जो सिखों की, पंजाब में सिखों की 12 मिसलें कायम हो गई थी जिन्होंने अलग अलग इलाकों पे कब्जा कर लिया था और अलग अलग इलाकों को चला रहे थे और मुगलों का दबदबा वहां बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। पंजाब के जो गुजरात का जो इलाका था, गुजरात में सुकर चकिया मिसल थी, तो जो इस इलाके के लोग थे लाहौर अमृतसर के, इन्होंने शुकर चकिया मिसल के लोगों से, उनके जो बानी थे उनसे दरख्वास्त की कि उन्हें आप लाहौर आए और भंगियों से हमारा पीछा छुड़ाए। वो लाहौर आए और उन्होंने आके वहां पर खालसा दरबार एस्टैब्लिश किया, सेटअप किया। ये खालसा दरबार जब उन्होंने तैयार किया तो उन्होंने कहा कि बहुत हो गई लड़ाई झगड़ा, हम हर बार आपस में जो मिसलें हैं वो छोटी छोटी मिसलें बन चुकी हैं, दो दो तीन तीन शहर में कब्जा करके बैठी हैं और आपस में लड़ती जा रही हैं, क्यों ना यूनिफिकेशन शुरू हो। वी आर टॉकिंग अबाउट महाराजा रणजीत सिंह, ही स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ पंजाब। जितनी मिसलें थी उनको वो साथ लेकर आए, पंजाब को बड़ा किया,
लड़ाई झगड़ा खत्म किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उस समय मुगलों की फौज जो कभी नजफ खान बलोच के कमान के नीचे 20,000 की हो चुकी थी, वो घट के मुश्किल से 5-6,000 की रह गई थी। उस जमाने में जो महाराजा रणजीत सिंह की फौज खास थी वो सबसे शक्तिशाली हो गई। 26,000 तो इन्फेंट्री थी, जहां मुगलों के पास सिर्फ 4,000 से 5,000 सिपाही बचे थे, महाराजा रणजीत सिंह के पास 26,000 सिपाही हो चुके थे। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मुगलों ने कभी भी अपनी बहुत बड़ी आर्मी नहीं रखी। वो एक दल के साथ आते थे, एक इलाके पे अटैक करते थे और वहां की आर्मी को साथ में इंक्लूड करते थे, वहां के लोगों को साथ मिलाते थे और फिर उनकी मदद से अगले इलाके पे अटैक करते थे। और ये सिर्फ मुगलों के साथ ही नहीं हुआ, ये शुरुआत से चला आ रहा है। जब मोहम्मद गोरी भी आया, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश शुरू हुआ उसको स्लेव डायनेस्टी या मामलूक या गुलाम वंश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब के सब गुलाम थे। इनको कहीं ना कहीं से पकड़ा गया था, कैप्चर किया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी। जिस गांव पर हमला किया वहां के जितने भी जवान मर्द हैं उनको पकड़ लिया और उनको अपनी फौज में शामिल कर लिया। इस तरीके से उन्होंने अपनी फौजें तैयार की थी और इस तरीके से सारा काम चला आ रहा था। महाराजा रणजीत सिंह ने ऐसा कोई काम नहीं किया, लोग अपनी इच्छा के साथ आए, उनके साथ जुड़े और वो बहुत खुश थे इनके साथ। और सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं, दूर दूर से लोग उनके साथ जुड़े। उनकी फौज में, फौज खास में कई यूरोपियंस थे, जिनमें से कुछ एक तो बाकायदा सिख बन गए। हमारे पास यहाँ पर कर्नल गार्डनर की फोटोग्राफ है। ये जनाब बाकायदा सिखों की वेशभूषा में रहा करते थे। इन सिपाहियों ने, इन यूरोपियंस ने और अमेरिकन्स ने एक ऐसी फौज तैयार करके दी महाराजा रणजीत सिंह को, उनकी कैवेलरी, उनकी आर्टिलरी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी कि कोई और उनके आगे टिक नहीं सकता था। और यह वो वक्त था जब, जिसको हम देश पंजाब कहते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। कहा जाता है, एक शायर ने कहा है कि महाबली रणजीत सिंह होया पैदा, नाल जोर दे मुल्क हिलाए गया, मुल्तान कश्मीर पेशावर चंबा जम्मू कांगड़ा कोट निभाए गया, फिर देश लद्दाख ते चीन ताई सिक्का अपने नाम चलाए गया, शाह मोहम्मद जान 50 बरसा चंगा रज के राज कमाई गया। 50 साल के अंदर अंदर महाराजा रणजीत सिंह ने वो कर दिखाया था जो और किसी बादशाह को सदियां लग गई है। ये सब करके उन्होंने सतलुज से नीचे दक्षिण में कब्जा करने की कोशिश की, सक्सेसफुल भी हुए। दिल्ली तक की जितनी रियासतें थी वो सारी उनके पास आ गई। लेकिन इस वक्त जो पटियाला की रियासत थी, जो कपूरथला की रियासत थी, यहाँ की रियासतों ने, यहाँ से भागकर यहाँ के राजाओं ने, नवाबों ने अंग्रेजों से मदद मांगी कि महाराजा रणजीत सिंह अब यहाँ आ गए हैं और हम उनके साथ यूनिफिकेशन नहीं चाहते, तो आप हमारी मदद कीजिए। अंग्रेजों ने अटैक किया और जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई उसमें महाराजा रणजीत सिंह को पीछे धकेल दिया गया, उनको फिर से सतलुज के पीछे कर दिया गया और अमृतसर में बैठ के एक ट्रीटी साइन की गई जिसको हम फर्स्ट ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। इस ट्रीटी के मुताबिक महाराजा रणजीत सिंह की जो पावर थी वो सिर्फ सतलुज से ऊपर ऊपर रह गई थी और सतलुज से नीचे महाराजा रणजीत सिंह कभी ना तो अटैक करेंगे ना किसी को परेशान करेंगे। और उसके साथ ही उसमें ये क्लॉज जोड़ दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब में ट्रेडिंग कर सकती है, कारोबार कर सकती है। हम सभी जो इस कक्ष में बैठे हैं, हम सभी भारतीय हैं, हमें पता है इस लाइन का क्या मतलब है। यही वो लाइन थी जिसका इस्तेमाल करके वो हर रियासत में घुसे और बाद में उस राज्य का, उस रियासत का उन्होंने क्या हाल किया हम सब जानते हैं। और ऐसा ही एक हाल आज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ क्योंकि ये वो रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों को व्यापार करने की, ट्रेड करने की परमिशन दी, लेकिन कुछ अन्य रियासतों की तरह क्या झुके नहीं। इस ट्रीटी के कुछ सालों के बाद 27 जून 1839 महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद पंजाब बुरी तरीके से हिल जाता है। 1839 के बाद जो पहला शख्स गद्दी पर बैठते हैं वो है इनके बेटे महाराजा खड़क सिंह, लेकिन वो भी कुछ महीने रह पाते हैं। 1840 आते आते उनकी भी डेथ हो जाती है, वजह पता नहीं चल पाई।
इनके साहबजादे कंवर नौनिहाल सिंह, इनकी शमशान में इनकी जो मुखाग्नि है वो देखे लौट रहे होते हैं, इनका अंतिम संस्कार करके लौट रहे होते हैं, क्रिमेशन से वापस आ रहे होते हैं। जैसे ही वो शहर का दरवाजा पार करते हैं या जो भी उनकी हवेलियां किले का दरवाजा रहा हो उसको पार करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो दरवाजा टूट गया, कुछ लोग कहते हैं कि उसका झूमर गिर गया। वो दरवाजे की फोटोग्राफ मुझे कुछ टाइम पहले देखने को मिली, दरवाजा सही सलामत है, अंदर से झूमर काट दिया गया था, वो झूमर उनके सर पे गिरता है। वो कुछ घंटों के मेहमान थे। इनकी जो माता श्री थी महारानी चंद कौर, कुछ महीनों इन्होंने राज किया, इन्होंने राजपाट चलाने की कोशिश की, लेकिन इनको भी नहीं बख्शा गया। इसके बाद महाराजा शेर सिंह आए, जो एक साल से ज्यादा वक्त के लिए गद्दी पर बैठे, लेकिन फिर इनकी भी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इन्हें भी जहर दिया गया। और फिर आते हैं महाराजा दलीप सिंह, एक छोटा सा बच्चा, जो कि महाराजा रणजीत सिंह का सबसे छोटा बेटा है, और अभी उसको राजपाट के बारे में और किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसको गद्दी पर बैठा दिया जाता है और आसपास ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो कहते हैं कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, महाराजा साहब आप बस गद्दी पर बैठे रहिए, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे। और जो अंग्रेज चाहता है वो पंजाब में होने लग जाता है। लेकिन अभी तक ऐसे लोग मौजूद थे खालसा दरबार के अंदर, लाहौर के अंदर, जो वफादार थे, जो सच्चे थे, जो ईमानदार थे, और जिन्होंने बगावत की, जिन्होंने आवाज उठाई। एक सरदार हीरा सिंह हुआ करते थे, जो उस समय वजीर बन गए थे। हीरा सिंह ने जो है, हीरा सिंह भी अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे कुछ हद तक, और हीरा सिंह ने महाराजा दिलीप सिंह का कोई ख्याल नहीं रखा और वो अपने तरीके से पूरी ऐश परस्ती करने लग गए। तो महारानी जिंद कौर ने क्या किया, हीरा सिंह को गद्दी से हटवा दिया अपने कुछ वफादार सिपाहियों के साथ मिलकर। महारानी जिंद कौर महाराजा दिलीप सिंह की माता, महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी बेगम। जैसे ही उनको गद्दी से हटाया गया, अब किसी ना किसी को वजीर तो बनना था, तो नाम आगे आया सरदार तेजा सिंह। ये नाम सिख हिस्ट्री में, पंजाब की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक नाम है। क्यों, ये मैं आगे चल के बताऊं। महाराजा दिलीप सिंह ने तेजा सिंह को तिलक लगाने से मना कर दिया। आज की तारीख में हम जिस सिखी की बात करते हैं और सिखों के जो जिन उसूलों की बात करते हैं, वो उसूल आज से 200 साल पहले इस फॉर्म, इस शेप में नहीं थे। कुछ चीजें अलग हुआ करती थी, तिलक किया जाता था। बल्कि हमारे जो पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी, जब उनको शहादत का जाम पिलाया गया, उनको एक गर्म तवे पर बिठाकर जलाया गया, तो उस वक्त को जहांगीर ने खुद अपने शब्दों में ऐसे लिखा है कि इस शख्स ने मेरे बेटे को तिलक किया जब वो आया और इसको दीन से भटकाने की कोशिश की। Which means कि गुरु के दरबार में भी जब कोई बहुत बड़ा शख्स आता था तो तिलक लगाकर उसका स्वागत किया जाता था। जहांगीर ने अपने मेमोयर्स में, जहांगीरनामा में लिखा हुआ है। और रिवाज यह था कि जब कोई वजीर बनेगा तो उसको तिलक लगाया जाएगा। महाराजा दिलीप सिंह ने तेजा सिंह को तिलक लगाने से मना कर दिया। तो जो लोग अब वफादारों की गिनती कम हो गई थी, अब अंग्रेजों के खरीदे हुए लोग ज्यादा हो गए थे दरबार में, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो जिंद कौर है, महारानी जिंद कौर, ये पट्टी पढ़ा रही है और ये खालसा दरबार से उलट सारी बातें करती है। इसी ने महाराजा दिलीप सिंह को भी भड़काया। महाराजा दिलीप सिंह जो है वो अब खालसा दरबार के अगेंस्ट जा रहे हैं, विच इज नेवर अलाउड, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसी दौरान अंग्रेजों और सिखों की जो सबसे बड़ी जंग है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, वो स्टार्ट होती है। सुब्राहो और मुदकी के अंदर ये जंग लड़ी जाती है। लाल सिंह और तेजा सिंह, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सरदार लाल सिंह की है। लाल सिंह और तेजा सिंह ये दो मेन प्लेयर्स थे इस जंग के अंदर, जिसमें तेजा सिंह जो था वो वजीर था, लाल सिंह जो था वो आर्मी का कमांडर था। ये दोनों अपनी अपनी टुकड़ियां लेके जंग के लिए उतरते हैं। सामने से अंग्रेज फौज आ जाती है और सिख सिपाही लाल सिंह को बोलते हैं, तेजा सिंह को बोलते हैं कि चलिए हम आगे बढ़कर लड़ाई करते हैं और हम इनको मार देते हैं। जानते हैं इनको जवाब क्या मिलता है? कहते गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि 1,25,000 से 1 लड़ाओ तभी गोविंद सिंह नाम धरो।
हम इतनी छोटी सी स्पॉट से अगर लड़ेंगे तो ये हमारी बेइज्जती है, हमारी हानि है। हम इनसे नहीं लड़ेंगे, हम लॉर्ड डलहौजी की वेट करेंगे। जब लॉर्ड डलहौजी ज्यादा फौज लेकर आएगा हम उनसे लड़ेंगे, तब तक हम इंतजार करेंगे। फौज के जो उसूल हैं उनमें सबसे बड़ा उसूल यह है कि आपको अपने कमांडर की बात माननी होती है। उन्होंने भी मानी, चुपचाप है। लॉर्ड डलहौजी आ गए, लड़ाई शुरू हुई। फौज ने लॉर्ड डलहौजी को थोड़ा सा पीछे धकेल दिया। और लड़ाई शुरू भी कैसे हुई, लाल सिंह और तेजा सिंह ने लड़ाई के ऑर्डर्स नहीं दिए, उल्टा जैसा कि हमें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है, उस रात वो दोनों कैंप छोड़ के चले गए। कहां गए, कैसे गए, किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो कैंप में अगले दिन सुबह नहीं थे जब अंग्रेजों ने अटैक करना था। सिख सिपाहियों को समझ में नहीं आया, उन्होंने अटैक शुरू कर दिया, अंग्रेज वहां से भागना शुरू हुआ। तो कहते हैं कि एक ऐसा अरेंजमेंट बन गया था जहां पर जो सिख सिपाही थे वो तीन तरफ से घिरे हुए थे, और घिरे क्या थे, पहाड़ या कुछ ऐसा था कि वो तीन साइडों में कहीं मूव नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते थे। उस तरफ नदी थी, दरिया था, जिसके ऊपर एक पुल था। इस पुल से अंग्रेजों को तो धकेल दिया, अब सिखों को ये पुल पार करके अंग्रेजों के पीछे जाना था और उनको मारना था। इनके पास ना कोई तोपें थी, ना कोई असला बारूद था, जो टुकड़ियां फंसी हुई थी। इतने में तेजा सिंह आता है किसी तरफ से और उस पुल को उड़ा देता है। और उसके बाद जो उसके पास तोपे हैं और जो अंग्रेजों को, अंग्रेज बकायदा एक आदमी भेजा जाता है और अंग्रेजों को वापस बुलाया जाता है कि अब ये सिख यहाँ पर सारे फंसे हुए हैं, जो इनकी मेन फौज है वो पीछे फंसी हुई है, अब आप इनको आराम से हरा सकते हो, क्योंकि अभी आपके ऊपर वार नहीं कर सकते, इनके तीर नदी के पार पहुंचेंगे नहीं, आपके पास बंदूकें और तोपे हैं, आप इनको मार सकते हो, प्लस मैं तोपे लेके आया हूँ साथ। नदी की दूसरी तरफ तोपे रख के चलाई गई और इस फौज को मारा गया, सिख फौज को। खुद तेजा सिंह और लाल सिंह जैसे लोगों ने फौज को खत्म किया। उस जंग में 2000 सिख सिपाही मारे गए और अंग्रेजों ने भी करीब 1.5 से 2000 सिपाही अपने गवाए। इसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ लाहौर, क्योंकि दरबार तक तो यही खबर पहुंचाई गई ना कि अंग्रेज जीत गया, ये नहीं बताया गया कैसे जीता है, क्यों जीता है। और दरबार में भी वही लोग बैठे हुए जिन्होंने पैसा लेके, जैसे आज मैच फिक्सिंग होती है तो बैटल फिक्सिंग हुई। इसमें ट्रीटी में यह किया गया कि जो दुआब का रीजन है, जो जलंधर और ब्यास का जो दुआब, सतलुज और ब्यास का जो दुआब है, जिसमें जलंधर लुधियाना ये पूरा एरिया आता है, ये ब्यास, ये दुआब अंग्रेजों को दे दिया जाएगा और लाहौर दरबार जो है वो अंग्रेजों को 15 मिलियन रुपीज देगा। और क्योंकि दरबार के पास उतना पैसा नहीं है तो कश्मीर की रियासत और सारी पहाड़ी रियासतें जो सुगत कांगड़ा के किले से कंट्रोल होती थी वो सारी अंग्रेजों को चली जाएंगी। पंजाब में सिखों के अधीन जितने किले हैं वो अंग्रेजों के हो जाएंगे। लाहौर में एक रेजिडेंट ऑफिसर बैठेगा जो सब संभालेगा और महाराजा दलीप सिंह सिर्फ एक टाइटलर किंग बन के रह जाएगा। इसके बाद एक अमृतसर में एक सेकंड ट्रीटी हुई जिसके अंदर जो महाराजा गुलाब सिंह डोगरा है, उस समय वो सरदार गुलाब सिंह हुआ करते थे, उन्होंने 7 मिलियन देके, जो 70 लाख देके जो कश्मीर की रियासत है वो अंग्रेजों से खरीदी। तो ये पैसा उनको अंग्रेजों से मिला हुआ था पहले जंग हारने के लिए और दरबार में अंग्रेजों की हिमायत करने के लिए, अब उसी में से कुछ पैसा उन्होंने वापस देके तो कश्मीर की रियासत खरीद के और वो खुद वहां के महाराजा बन गए। महाराजा दलीप सिंह अभी भी लाहौर के राजा थे लेकिन एक टाइटलर किंग थे, और महारानी जिंद कौर जो है वो रिजेक्ट थी, मतलब कि उनके बिहाफ पर वो राज कर रही थी, ऐसा उस ट्रीटी में लिखा गया। लेकिन इसके कुछ महीनों के अंदर अंदर एक परोवाल के अंदर एक ट्रीटी की गई जिसमें कहा गया कि अब अंग्रेज अफसर ही बैठेगा दरबार में और महारानी जिंद कौर जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, उसको 1.5 लाख रुपया सालाना पेंशन दे दी जाती है ना बोलने के लिए, वो अपने कक्ष में रहे, उसको जहां घूमना है जाके घूमे, उसको क्वीन का दर्जा अभी भी हासिल है लेकिन वो दरबार के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, वो अंग्रेज डिसाइड करेगा। और यहां से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। कुछ दिनों के बाद जब हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो लाहौर में अपने ही किले में महारानी जिंद कौर को कैद कर दिया जाता है। और कैद से पहले जब उनको आके ये बोला जाता है, क्योंकि अभी भी वो महारानी है, आके सिपाही उनको एकदम से नहीं पकड़ेंगे, उनको आके आराम से बताया जाता है कि आपको जो है यहाँ से चलना होगा, लाहौर छोड़कर आपको जाना होगा। कहते कि लाहौर छोड़कर मुझे जाना क्यों होगा, यहाँ पर ऐसा क्या है।
तो पहले तो उनको लाहौर के समन बुर्ज में ले जाया जाता है, कुछ समन बुर्ज बोलते हैं, कुछ समन बुर्ज बोलते हैं, वहां उनको ले जाया जाता है। 10 दिन तक उनको वहां रखा जाता है। महाराणी जिनको पूछते हैं कि ठीक है मुझे महाराजा दिलीप सिंह से मिलाओ, मेरे बेटे से मिलाओ, वो भी सिर्फ 9 साल का है, तो उनको बताया जाता है कि महाराजा दिलीप सिंह जो है वो तो शिकार खेलने के लिए वो तो अभी गए हुए हैं, लॉर्ड डलहौजी और सरदार तेजा सिंह और गुलाब सिंह इन सबके साथ वो शिकार खेलने गए हुए। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जब दोबारा पूछती है कि दिलीप वापिस क्यों नहीं आए हैं, तो उनके एक वफादार सिपाही उनको बताते हैं कि वो वापिस नहीं आएंगे, क्योंकि दिलीप को आपसे अलग करने के लिए एक चाल थी और हमें नहीं पता दिलीप कहाँ है, क्योंकि वो लाहौर वापस ही नहीं आए, उनको लाहौर से दूर कहीं ले गए हैं, वो शिकार खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम नहीं जानते। ये चोट महाराणी जिंदा के लिए इतनी खतरनाक थी कि वो बेहोश होकर गिर गई। जब वो उठी उन्हें बाइज्जत एक पालकी में बैठाया गया और लाहौर से बाहर ले गए। कवि जीवन सिंह वो यहाँ पंजाब में, उन्होंने बहुत दर्दनाक तरीके से इस पूरे मंजर को बयां किया है। वो कहते हैं कि जांदी जिंदा नू आई आवाज अरशो, जिंदा परत लाहौर तू आवणानी, जेड़े किले दी बनी से महारानी, उस किले च पैर मुड़ पावणानी, ताज ला देसी इस तो बादशाही, ताज ला देसी इस तो बादशाही, हुण तू महारानी अकवावणा नहीं, जांदी वार दिलीप नू प्यार दे लै, पत्थर चुम के फेर खड़ावणा नहीं, हुण रोंदे दे अथरू पूंझ जावी, हुण रोंदे दे अथरू पूंझ जावी, लोरी दे के फेर पर चावणा नहीं, रोंदी रहेगी वतन दे दर्शना नू, तेनू किसे पंजाब खावणा नहीं, किस सिख नहीं पुछनी बात ते, रंजीत भी दर्द वंडावणा नहीं, इक दर तू रुलसे इक दर बुद्ध तेरा, मां बुद्ध नू किसे मिलावणा नहीं, तेरी लाश परदेस दे विच रुलसी, तेरी लाश परदेस दे विच रुलसी, किसे मोई ते कपड़ा पावणा नहीं, जीवन कहे जिंदा तेरा रब रखा, तेनू कहंदे ने किसे छुड़ावणा नहीं। पालकी में डालकर लाहौर से कुछ किलोमीटर दूर शेखुपुरे के किले में इनको ले गए, जहां पे सरदार भूरा सिंह के निगरानी के अंदर इनको रखा गया। ये कुछ तस्वीरें, मेरे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान में, उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें वहां की भेजी हैं। लेफ्ट साइड पर शेखुपुरे का किला है और राइट साइड पे वो कमरा है जहां पर महारानी जिंदा को रखा गया था। यहां पर उनकी जो पेंशन है जो 1.5 लाख थी वो 80,000 कर दी गई, और उनके साथ जितने भी सर्वेंट्स थे वो असलेस थे वो सब हटा दिए गए, उनके साथ सिर्फ 2 सर्वेंट्स थे उनको छोड़ा गया, शामो और गोमती, ये उनकी बचपन की सहेलियां भी थी, ये अभी भी उनके साथ थी। यहाँ वो 8 महीने रहे हैं। इन 8 महीनों में अंग्रेजों ने क्या किया, मुल्तान और हजारे के अंदर बहुत खतरनाक तरीके से बगावत करा दी, और बगावत को बुझाने की बजाय, दबाने की बजाय और भड़का दिया, और महारानी जिंद कौर के ऊपर सारा इल्जाम लगा दिया कि महारानी जिंद कौर जो है वो क्योंकि अभी भी पंजाब में है और उसके जो गुप्त संदेशे हैं वो इधर उधर आते जाते हैं और सिख सिपाही उनको मिलते हैं, ये वहां से शेखुपुरे के किले से बैठकर नजरबंद बैठ के ये सारे काम कर रही है और इन सब जगहों पे बगावत करा रही है जिससे आम लोगों का खून बह रहा है। तो लाहौर दरबार ने फैसला किया कि पंजाब से महारानी जिंद कौर को बाहर निकाला जाए। इनको बनारस ले गए, वाराणसी, कुछ दिन वहां रखा, फिर वहां से चुनार जो कि बिल्कुल बनारस के बगल में ही है, चुनार के किले में इनको कैद कर दिया। चुनार के किले में पहुंचते ही महारानी जिंद कौर ने कहा कि अपने जो दासियां थी उनको कि हम उस जगह आ गए हैं जहां से हम में से कोई वापस नहीं जाएगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में चुनार का किला हमेशा से इस काम के लिए बदनाम रहा। कोई भी सियासी कैदी, पॉलिटिकल प्रिजनर, एक बार जो चुनार के किले में एंटर कर जाता था वो वहां से जिंदा नहीं निकल सकता था। बहुत परेशान हुए, काफी टाइम तक उन्होंने बहुत कोशिश की, उनको जो पेंशन मिल रही थी वो 48,000 कर दी गई थी, 80,000 से और रिड्यूस कर दी। इस 48,000 सालाना के अंदर उनको अपना सारा खर्चा चलाना है और अपनी दोनों गोलियों का जो उनकी सैलरीज हैं या उनकी जो जरूरत है वो सब कुछ इनको इसी में पूरा करना। इन्होंने वहां पर सिपाहियों से और वहां के राजाओं से सबसे बहुत मिन्नतें की कि या तो मुझे पंजाब अगर तुम नहीं दिखा सकते कम से कम मुझे यही बता दो दिलीप का क्या हाल है, वो ठीक ठाक तो है। इनकी ना तो बात किसी ने सुनी,
ना इनको वापस उस और कभी किसी ने जाने दिया। बहुत दिनों तक यहां पर रहने के बाद एक दिन इन्होंने कुछ कोशिश करके एक सिपाही को थोड़ा सा उसका मन पसीज किया। कहता, महारानी साहिबा, मैं आपको तो यहाँ से नहीं निकाल सकता, हाँ आपके साथ जो दो सर्वेंट्स हैं, जो दो गोलियां हैं, दासियां हैं, उनमें से किसी एक को बाहर निकाल देता हूँ। तो गोमती, डिसाइड किया गया कि गोमती को बाहर निकाला जाएगा, जो उनकी बचपन की सहेली थी, उन्हीं की उम्र की थी, एक ही जगह पे वो पैदा हुए बड़े हुए। गोमती को बाहर निकाला गया एक प्लान के तहत, और प्लान ये था कि कुछ टाइम के बाद महारानी जिंद कौर भी यहाँ से निकलेंगी। वो निकली, कहाँ गई, कैसे निकली, क्या है उसके बारे में कहीं हिस्ट्री में कोई रेफरेंस नहीं आता। लेकिन कुछ टाइम के बाद महारानी जिंद कौर ने, जो दूसरी सर्वेंट उनके साथ थी, उनकी जो साथी थी श्यामो, उससे बात की, उसको बोला कि अब वक्त आ गया है कि मैं भी निकलूं। रात के 2 बजे हुए थे, इन दोनों की हाइट एक जैसी थी और इन दोनों का कॉम्प्लेक्शन भी एक जैसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि जो महारानी जिंद कौर थी उनका फेस बिल्कुल साफ था, और जो श्यामो थी उसके चिन्ह के ऊपर कुछ काले दाग थे। तो इन्होंने क्या किया, दिए की काले से वो दाग लगाए, और रात के अंधेरे में कपड़े एक्सचेंज किए, इन्होंने गुलामों वाले, दासियों वाले कपड़े पहने, एक मटका लिया और चिनार किले के दरवाजे पर चली गई। किले के दरवाजे के ऊपर संतरी ने पूछा कि आप कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा, मैं श्यामो गोली हूँ, और रोज की तरह सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं गंगा नदी से पानी लेने जा रही हूँ महारानी के स्नान के लिए। अब कोई टॉर्च या कुछ इस तरह का अरेंजमेंट तो होता नहीं था, लैंप हुआ करता था। उन्होंने वो हाथ में ऐसे उठा के लालटेन देखा तो उससे उनको बहुत क्लियर नहीं पता चला, लगा वही है क्योंकि काफी शक्ल मिलती थी और हाइट वगैरह सब कुछ मिलती थी। उनको जाने दिया, गेट खुले, महारानी जिंद कौर किले से बाहर आ गई। कोई शायर कहता है कि रूप बना के दासी दा, जिंदा निकली किला चुनार, वो मन दे विच ध्यान दी सी सच्चा सृजनहार, उसे दिल विच तांग है वतन दी, मुंह तड़पे पुत प्यार, अपने बेटे के प्यार में, क्योंकि ध्यान अभी भी उसका वही है, उसकी कोशिश यही कि मैं किसी तरीके से पंजाब पहुंचूं छुपते छुपाते और देखूं वहां क्या हो रहा है। गंगा के घाट पर गई, गंगा का घाट चुनार के किले के बिल्कुल साथ है, लेकिन वो वहां पर अगर रुकती तो प्रॉब्लम हो जाती, तो वहां से 3 मील दूर गई और वहां जाके उनको किश्ती वाला मिला, उससे मिन्नत की कि मुझे जो है पार लगा दो। उसने कहा कि अभी वक्त नहीं हुआ है, यहाँ पर जब और सवारियां आएंगी तब मैं किसी दूसरी पार लेकर जाऊंगा, मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ, अब वेट कर रही हूँ। वो ये कर नहीं सकती थी, तो इन्होंने क्या किया, इनके पास एक साथ में धोती कैरी की थी इन्होंने, वो धोती और जो अपना मटका था वो वहीं रखा और नदी में छलांग लगा दी, तैर के पार किया। इस अंदाजे से कि अगर कोई ढूंढता हुआ आएगा तो उसको लगेगा कि ठीक है, जो भी थी वो नहाने गई और नदी में डूब के मर गई। इस तरीके से ट्रिक प्ले करके इन्होंने नदी पार की, दूसरी तरफ गई, चलना शुरू किया, और यहाँ से 120 किलोमीटर दूर आजमगढ़ है, ये वहां तक गई रामपुर होते हुए। रामपुर में इनको इनकी वो सहेली गोमती मिल गई, जो प्लान के तहत पहले वहां पर पहुंची हुई थी, कई महीने से वहीं पर इनका वेट कर रही थी कि एक ना एक दिन महारानी यहाँ आएंगी। और रामपुर के दक्षिण में एक बहुत बड़ा मंदिर है जिस तय किया गया था कि इस मंदिर की सीढ़ियों पर मिलेंगे। वहां पहुंची, वहां पर जब महारानी आकर मिली तो आज जो बचपन से जो सहेली उनके साथ खेलती थी, और शादी के बाद महारानी जिंद कौर आगे जब महाराजा रणजीत सिंह से शादी हुई तो उसके बाद हमेशा इनको सिर झुका के सलाम किया करती थी, आज वो सलाम नहीं कर सकती थी। आज उसको वापस एक सहेली की तरह ही उनसे मिलना था, उनसे गले मिली, क्योंकि बिल्कुल फकीरनी वाला हालत हो चुकी थी। महारानी जिंद कौर ने बोला कि मैं कई दिनों से चलती आ रही हूँ और मेरे को इतनी भूख प्यास लगी है कि अब मेरे में खड़े होने की हिम्मत नहीं है, बस मेरे को यहाँ तक पहुँचने कि मुझे मेरे अंदर जो जज्बा था, जो एनर्जी थी, वो मेरे को जो ताकत दे रही थी, वो मुझे यहाँ तक ले तो आई है, पर अब मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, मुझे कुछ खाने को चाहिए। वहां पर खाने का इंतजाम यही था कि मंदिर का जो पुजारी है उससे दरख्वास्त की जाए और वो थोड़ा बहुत खाना दे देता था। मंदिर के पुजारी से खाने को लाया गया, इनको दिया गया, महारानी जिंद कौर भी थोड़ी जान पड़ी, उठी, आजमगढ़ की तरफ बढ़ी,
और जो एक वक्त में इतने बड़े इलाके की महारानी हुआ करती थी, आज भिखारियों की तरह सड़कों पे भीख मांगते मांगते आगे बढ़ रही है। 120 किलोमीटर का रास्ता कोई उन्होंने एक दिन में तो तय किया नहीं होगा, उनको कई दिन लगे होंगे। इतने दिन उन्होंने सड़कों पर लोगों के आगे हाथ फैलाए। एक कवि कहते हैं कि मैं रानी देश पंजाब दी, आज देख लो मेरा हाल, कल मोती कर दी दान सा, आज रोटी होगी कंगाल। क्या मैं रोटी के नाम पर भी आज मैं कंगाल हूं, मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है। आजमगढ़ पहुंचकर इनको इनको पता चल गया कि यहां से पंजाब तो नहीं जाया जा सकता, क्योंकि हर तरफ इतनी चेकिंग हो रही है, इतने लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। चुनार के किले में तो हाहाकार मची गई थी उसी रात, जब सुबह हुई थोड़ी सी रोशनी हुई तो पता चल गया कि यहाँ तो महारानी भाग गई है और फौज इनको ढूंढ रही थी। तो इन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, नेपाल चलते हैं, क्योंकि नेपाल का जो जंग बहादुर राणा है, महाराणा जंग बहादुर, वो जब छोटा हुआ करता था तो अपने मामा जी के साथ महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में हुआ करता था, क्योंकि जो उनके मामा जी थे वो रणजीत सिंह के दरबारी थे। और जैसे आज की तारीख में हम बच्चों को कहीं भेज देते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, सीखने के लिए, तो जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर बने, जो बाद में वहाँ के राजा की तरह जो वहाँ पर उन्होंने राज किया, वो राजा नहीं थे लेकिन राजा को उन्होंने साइड कर दिया था, खुद ही सब कुछ संभाल लिया था। तो वो वहाँ पर चार थे, कहते वो मेरी मदद जरूर करेगा, हम उम्र है बचपन से जानती हूँ, छोटे होते वो उसी इलाके में रहा है और महाराजा रणजीत सिंह के साथ जितना भी वक्त बिताया है तो मैं उससे जो इंटरेक्शन किया है तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। चलो नेपाल चलते हैं। नेपाल कैसे जाएंगे, रास्ता तो पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नेपाल से एक नदी आती है गोमती, मैंने उसके बारे में सुना है, हम गोमती नदी ढूंढ लें अगर और गोमती नदी के साथ 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 चलना शुरू कर दें तो हम नेपाल पहुंच जाएंगे। उन्होंने वहां से आगे बढ़कर गोमती नदी ढूंढी जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, इसके साथ चलकर इस ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। करते करते ये उम्मीद थी कि जल्दी वो नेपाल पहुंच जाएंगी। और रास्ते से इनके साथ एक शख्स हो गया जो साधु दिखता था, तो साधु था ठीक है, रास्ते में चल रहे हैं थोड़ा पीछे पीछे चल रहा था, फिर थोड़ा इनके पास आया, कहा कि आप दो फकीरनियां जा रही हो, मैं भी एक फकीर हूँ एक साधु हूँ, कहाँ जा रहे हो, नेपाल जा रहे हो, चलो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मुझे तो नेपाल का रास्ता भी पता है, मैं आपको साथ ले जाता हूँ, मंजिल सफर अच्छा कट जाएगा। ठीक है, चलने लग गए आगे। कुछ वक्त तक चले तो महारानी जिनकौर ने कहा कि गोमती मुझे लगता नहीं है ये कोई सच्चा साधु है, क्योंकि जो बातें कर रहा है वो साधुओं वाली बातें नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेजों का कोई खबरी है। उन्होंने उससे कुछ सवाल किए और उनका शक यकीन में बदल गया, वो वाकई खबरी था। बहाने से एक चट्टान पर उसको बैठाया और धोखे से उसको चट्टान से नीचे नदी में धक्का दे दिया और वहां से फिर नदी के साथ साथ भाग। ये शख्स बहुत इंटेलिजेंट था, काबिल था, नदी में गिर के बचा, तैर कर कुछ आगे पहुंचा, बाहर निकला और इमीडिएटली इसने अंग्रेजों को खबर की, पुलिस स्टेशन में खबर की कि मैंने जिंदा को पहचान लिया है, वो ऐसे ऐसे नेपाल की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जितने आर्मी की टेलीग्राफ पहुंच गया, जो पुलिस आर्मी जो भी उनके पीछे लगी हुई थी, उन्होंने अपना फोकस उस एरिया पे किया, आके इनको जंगल के आसपास घेरना शुरू कर दिया, जंगल को जंगल का पूरा घेराव कर लिया। इन्होंने जाकर एक जंगल के अंदर जब ये घुसी तो वहां पर बहुत तेज आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान से बचते बचते इनको दूर एक गुफा दिखी, ये गुफा में जाकर बैठ गए। तूफान शांत हुआ, सिपाही ढूंढते ढांढते वापस चले गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। इस गुफा में एक निर्मल प्रकाश साधु था, उदासी साधु। ये साधु वहां बैठा हुआ था, इसने इन लेडी से पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि हम जो है दो फकीरनियां हैं, तूफान बहुत ज्यादा आ गया था, तूफान से बचते बचते हम यहाँ आ गई हैं और बहुत दिनों से भूखी प्यासी, हमें कुछ खाने को दिया जाए। इसके पास कुछ सामान पड़ा हुआ था जो ये कहीं से मांग कर लाया था खाने के लिए, तो इसने इनको भी दे दिया, लीजिए। उन्होंने खाया, पानी पिया, तो महारानी जिनकौर ने उसको बोला कि आप साधु लगते तो नहीं, क्योंकि आपके मुख पर जो तेज है वो साधुओं वाला नहीं है, आप बताओ आप कौन।
वो कहता है कि मैं साधु ही हूँ, और साधु का ना कोई घर बार होता है, ना कोई माँ बाप संगी साथी, कोई नहीं होता। मैं क्या बताऊं मैं कौन, मैं तो सब कुछ त्याग कर यहाँ बैठा हूँ। महारानी कहती कि मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कि आपके पास आज की तारीख में क्या है क्या नहीं है, या आप कहां से हो। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने जहां जन्म लिया, जहां जिस तरीके से आप बड़े हुए, आपके माँ बाप, कुछ उनके बारे में बताइए। साधु ने बहुत कोशिश की, नहीं छुपा पाया, उसको बताना पड़ा। कहता मैं जिला सियालकोट के अंदर एक नगर उभो के है, वहां के जो जिमीदार है उनका बेटा, और ध्यान दीजिएगा महारानी जित कौर अभी सियालकोट से थे, उसी इलाके से। मैं जिमीदार का बेटा हूँ, जिमीदार का बेटा हूँ वहां के, और जब मैं बड़ा हुआ तो मैं महाराजा रणजीत सिंह की फौज में उनका मेन बॉडीगार्ड, उनका ऑर्डर लिखा। ये सुनते ही महारानी जिंद कौरा बुरी तरह से रोई, क्योंकि इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद उन्होंने अपने पति का नाम सुना। कहते आप महाराजा रणजीत सिंह की अदरली फौज के सिपाही हो, आप साधु नहीं हो, तो मैं भी भिखारा नहीं, मैं जिंद कौरा। ये बोलने की देर थी कि उस साधु की आंखों से जो आंसू निकले हैं वो चरणों पे गिरा। उसने कहा महारानी साहिबा, राजमाता, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, और खालसा दरबार ने जो हमारे साथ किया मुद्की की जंग में, मैं उससे परेशान होके, मैं और मेरे जैसे जितने भी बहादुर और वफादार सिपाही थे वो पंजाब छोड़ के बाहर आ गए हैं, क्योंकि हम लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था। मैं अब तलवार उठा के आपके लिए लड़ाई तो नहीं लड़ सकता, पर मैं चाहता हूं कि मैं आपकी मदद करूं, आपके लिए कुछ करूं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। महारानी कहती हम नेपाल जाना चाहते हैं, कि आप हमें वहां ले जा सकते हैं। वो कहता मुझे नेपाल का रास्ता तो नहीं पता है, लेकिन मैं पता कर लूंगा और हम जल्द नेपाल चलेंगे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपको नेपाल तक पहुंचाने की। ये बूढ़ा साधु उठा, इसने बाहर गया, कुछ वक्त तक वापस आया, कुछ इंतजाम किए कुछ साधुओं वाले कपड़ों के, और जो साधुओं का जो कासा होता है मांगने वाला बर्तन, उसका इंतजाम किया, वो लाके इनको दिए, और साधुओं के बीच में ये भीख मांगते आगे बढ़े, नेपाल पहुंच गए। जब ये काठमांडू के पास पहुंचे तो वहां पर ठंड बहुत ज्यादा थी, ठंड में जो साधु था उसको निमोनिया हो गया, और देखते ही देखते वो भगवान को प्यारा हो गया। इन दोनों लेडीज के पास, इन दोनों औरतों के पास जो एक आखिरी सहारा था वो भी चला गया, अब इनके पास कुछ नहीं बचा था, और ये पहाड़ों में ऐसे इलाके में घिरी हुई थी जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। जब सुबह हुई तो गोमती निकली, मीलों तक चक्कर मार के आई, और उसे कोई शख्स नहीं मिला जिससे वो बात कर सकती या मदद मांग सकती। क्या करती, वहीं बैठ के रोने लग गए, अब तो कुछ हो नहीं सकता, लाश को भी ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते जिसने इतनी मदद की है, यहां तक लेके आया है। अभी वो सोच ही रही थी कि कुदरत का नजारा, वहां पर घोड़े ऊपर चार लोग आ गए, ये चारों सिपाही थे जिन्होंने नेपाली वेशभूषा, नेपाली कपड़े पहने हुए थे। महाराणा जिंद कौरा ने पहचान लिया कि नेपाल के राजा के सिपाही हैं, उसने खड़े होकर सारी बात सच सच बता दी। तीन सिपाहियों ने वहीं पर अपने घोड़े बांधे, साधु के अंतिम संस्कार की तैयारी की, एक सिपाही ने अपना घोड़ा दौड़ाया और वहां से कुछ ही मील दूर राणा जंग बहादुर के कैंप लगा हुआ था। राणा जंग बहादुर वहां पर शिकार खेलने आए हुए थे। जैसे ही महाराणा जंग बहादुर को यह पता चला कि महारानी जिंद कौर आई हुई है, वो अपने आसन से खड़े हुए, इमीडिएटली पालकी का इंतजाम किया गया, भेजा गया, और इनको पालकी में बैठाकर इनके तंबुओं तक लाया गया। महाराणा जंग बहादुर को अपने तरफ से इज्जत देने के लिए खड़े हुए, क्योंकि उनकी महारानी थी एक वक्त पे, लेकिन महारानी आज उनके सामने, जिंद कौर आज उनके सामने पंजाब की रानी की तरह नहीं खड़ी हुई। वो इनके कदमों पर झुकी और इनसे भीख मांगी कि मुझे पना दो। महाराणा जंग बहादुर का भी दिल पसीज गया। महाराणा जंग बहादुर ने विष्णुमती दरिया के किनारे इनके लिए एक
घर तैयार करवाया महलनुमा, इनको वहां पर रखा और इनको सारे वो सुख वापस दे दिए जो एक रानी को मिलने चाहिए। इनको दासियां दे दी गई, इनको हर तरह की मदद मुहैया कराई गई। लेकिन नेपाल भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आता था, वहां पे भी एक रेजिडेंट ब्रिटिश ऑफिसर बैठा करते थे। कुछ वक्त तक तो महाराणा जंग बहादुर ने उसको संभाला उस बात को। और अगर आप महाराणा जंग बहादुर की तस्वीर ध्यान से देखें तो आप नोट करेंगे कि इनकी छाती पर भी अंग्रेजों का एक मेडल टंगा हुआ है। और अगर आप नीचे वाली लाइन में आखिरी चार कैरेक्टर्स, चार लेटर्स पढ़ें तो इट सेज GCSI, ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया। ये तो ये भी अंग्रेजों के क्या बात, शुक्र है कि इन्होंने अंग्रेजों को इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि महारानी जिंद कौर को दोबारा अरेस्ट ना किया जाए। पर अंग्रेज इतनी आराम से नहीं मानने वाले थे, प्रेशराइज किया गया। अल्टीमेटली हुआ ये कि महारानी जिंद कौर अब इसी एक घर में कैद होकर रह गई। और चाहते ना चाहते, मैं नहीं जानता कि किताबों में ऐसा क्यों लिखा गया है, जंग बहादुर खुद ये चाहते थे या उन्हें मजबूरन करना पड़ा, पर ऐसा मैंने पढ़ा है कि उन्होंने महारानी जिंद कौर को तकलीफ देनी शुरू की, उनको एक अलग तरीके का मेंटल टॉर्चर या मेंटल हरासमेंट उनके साथ शुरू की। महारानी जिंद कौर इतनी परेशान हो चुकी थी, दिन रात रो रो के उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, अब वो देख नहीं सकती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे ही बिताए, यहां उनका वक्त कट रहा है। और अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे वापस लेके चलता हूं महाराजा दलीप सिंह के पास। जिस रात महारानी जिंद कौर को किले से बाहर ले जाया गया, उस रात, वो रात शायद पंजाब के लोगों के लिए बहुत लंबी रही होगी। अगले दिन सुबह शिकार से महाराजा दलीप सिंह वापस आ गए। उन्होंने आके हर जगह अपनी माँ को ढूंढा, उन्हें कहीं नहीं मिली। महाराजा दलीप सिंह को ये बताया गया कि आपकी जो माता जी हैं वो आपको छोड़कर चली गई हैं और वो अब आपके खिलाफ बगावत कर रही हैं। वो नहीं चाहती कि आप राजा बने रहे, वो आपका राजपाट जो है वो खराब करने पर तुली हुई है। पर एक 9 साल के बच्चे को ये कैसे यकीन आ सकता है कि उसकी माँ उसके खिलाफ है। अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले तो उनके बाल काटे। एंड अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री की जो पॉपुलर किताबें हैं उनमें ये बात नहीं लिखी हुई, ये फोकलोर्स में जिंदा है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी शायद मैं ना प्रूव कर पाऊँ इस बात की, लेकिन ये बात कुछ ऐसी किताबों में इतनी पॉपुलर है कि इस पर यकीन करने का दिल करता है। महाराजा रणजीत सिंह के बाल काटे गए, सोने के डिब्बे में बंद किए गए और मलिका विक्टोरिया को भेजे गए ये बोलकर कि हमने पंजाब से सिख राज खत्म कर दिया है, ये रहा आखिरी सिख। उसके बाद यहां से इनको सीधे लंदन ले गए। लंदन के अंदर एक सर लॉगिन हुआ करते थे, उनकी देखरेख में इनको रखा गया, यहीं से उनके साथ ही गए थे। इनको क्रिश्चियन बनाया गया वहां पर, ईसाई विद्या पढ़नी उन्होंने शुरू की। लेकिन लंदन जाने से पहले काफी टाइम भी हिंदुस्तान में थे और इस दौरान ही अपनी माता से बिना इतने ज्यादा परेशान हो जाते थे कि हर थोड़े दिनों में बुरी तरह से बीमार पड़ जाते थे। और जब भी ये बीमार पड़ते इनको लेकर ये लोग लंडूर मसूरी चले जाते। मसूरी में एक घर इनके लिए बना दिया गया था, वहां पर इनको कुछ हफ्ते रखा जाता और फिर वापस ले आते कि इनका ध्यान दूसरी तरफ पड़े। और इनको सिर्फ ईसाई विद्या दी जा रही थी, इनके जितने भी दोस्त थे जो भी कोई सिख हुआ करता था वो इनके पास अब नहीं जा सकता था, सिर्फ क्रिश्चियन इनके पास जा सकते थे। जब तक ये लंदन पहुंचे ये पूरी तरीके से उस रंग में रंग चुके थे, ये क्रिश्चियन बन चुके थे। सबसे पहले इनको क्लैरेंस होटल लंदन में रखा गया, कुछ दिनों के बाद विंबलडन में इनके लिए घर खरीद दिया गया। और वक्त के साथ इनके घर बदलते रहे, इनको मालिक मलिका से काफी पेंशन मिलती थी। छोटी उम्र में ये इतने अच्छे थे लिखने में कि मलिका विक्टोरिया को ये बहुत पसंद आए और इन्होंने अपने, मलिका विक्टोरिया ने इनको अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए अक्सर बुला लिया करती थी। तो जब अपने समर हाउस में जाया करती थी क्वीन विक्टोरिया तो साथ में इनको भी बुला लिया जाता कि बच्चों के साथ ही खेलेंगे, इंजॉय करेंगे। इनका सारा टाइम उसी रॉयल्टी में बीतने लगा। और फिर वक्त आ गया
1857 था। 1857 में जब हिंदुस्तान में गदर हुआ तो अगले दो चार सालों के अंदर अंदर अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि ऐसा गदर दोबारा से ना हो। अंग्रेजों के बहुत सारे लेटर्स और बहुत सारे स्पीचेस उस वक्त की हमें मिलती हैं, जिनमें अंग्रेजों ने सबसे पहली बात ये कही है कि इनकी अगर बैकबोन तोड़नी है तो सबसे पहले इनका रिलीजन खत्म करो, इनकी यूनिट इनका रिलीजन है, और इनको ये यकीन दिलाओ कि जो हम बता रहे हैं वो ज्यादा बढ़िया है। इनको इनकी अपने कल्चर से, इनको अपनी सभ्यता से नफरत होनी चाहिए। जब तक इनको अपने आप से नफरत नहीं होगी हमारी बात नहीं सुनेंगे। और आज देख लीजिए इस कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ, अगर आप दो मिनट के लिए आंखें बंद करके अपनी पूरी लाइफ पर नजर मारे, आपने हर वो चीज पसंद की है जिसमें कोई ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है। हम अंग्रेजी को ज्यादा तरजीह देते हैं, हम हिंदी उर्दू पंजाबी जैसी लैंग्वेजेस को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देते। ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन एक माहौल ऐसा बना दिया गया 1857 के बाद कि हमें लगता ही नहीं कि हम जो देसी सभ्यता की बात करते हैं वो ठीक है, हमें लगता है सिर्फ विदेशी ही ठीक है। कुर्ता पजामा छोड़ के, धोती कुर्ता छोड़ के हम लोग पैंट कमीज पर पहुंच गए। इसीलिए 1857 के बाद धीरे 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 उन्होंने सिलसिलेवार उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां की अंग्रेजों ने। उसमें से एक तब्दीली ये थी कि जितने भी रियासतों के राजे महाराजा थे, नवाब थे, इन सबकी पेंशन कम कर दी गई और इन सब पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। तो महाराजा रणजीत सिंह पर भी, महाराजा दिलीप सिंह पर भी सारी रिस्ट्रिक्शंस लागू हुई। तब जाके इनको अकल आई, इनको समझ आई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये कहाँ, मेरे को जो मैं इतने बचपन से ऐसे खुलेआम घूमता था, इंग्लैंड में कहीं भी जाता था, खूब पैसा उड़ाता था, और ये तो मशहूर थे, इनको बल्कि महाराजा दिलीप सिंह को ब्लैक प्रिंस ऑफ पर्थ शायर बोला जाता था। ये है, ये ऐसा लगता है इंग्लैंड के कोई प्रिंस हो। तो अब पैसा भी नहीं मिलता है इतना गवर्नमेंट से, और कहीं पर आप जा भी नहीं सकते हो बिना परमिशन के, इंडिया ऑफिस की परमिशन चाहिए या कोई विक्टोरिया की परमिशन चाहिए। आपके पास जो लेटर्स आते हैं सारे लेटर्स आपके पास खुले भी आने लग गए हैं, ऐसा क्यों? तो अब सिख इनके पास कोई था नहीं जो बताए, लेकिन अंग्रेजों से एक छोटी सी गलती भी होगी। इनके पास एक शख्स उन्होंने ऐसा छोड़ दिया था जो सिख नासिर पर था हिंदुस्तानी, वो सूरत से था। उस बूढ़े सूरती को उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताइए मैं कौन हूं, और जब किसी पे मुश्किल पड़ती है तो सबसे पहले उसको क्या ध्यान आता है, माँ बाप। उन्होंने माँ के बारे में पूछा, बाप के बारे में पूछा। तो इस बूढ़े शख्स ने सोचा कि मेरा क्या बिगड़ेगा अगर मैं इनको बता दूंगा, अंग्रेज क्या करेगा, मुझे मारेगा, मार डालेगा, अब तो मैं वैसे ही मरने किनारे पड़ा हूं, चलो बता ही देता हूं। उसने महाराजा दिलीप सिंह को उसकी पूरी स्टोरी बता दी कि तुम ये हो, यहाँ से आए हो, तुम्हारे साथ ये किया गया है, मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ कहाँ है, कैसी है, लेकिन वो अपने जमाने की सबसे खूबसूरत औरत थी और हिंदुस्तान की इतनी बड़ी रियासत की मलिका थी कि अंग्रेजों को उस रियासत पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी। कहते कि आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं। कहता मैं उनसे मिलवा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ मेरे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग, मैं लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त हैं जो अभी भी ईमानदार हैं, जो अंग्रेज नहीं बने, मैं आपका संदेशा उन तक पहुंचा सकता हूँ, वो ढूंढ लेंगे। ढूंढना शुरू किया गया, चिट्ठियां भेजी गई लेकिन चिट्ठियां पहुंची नहीं। एक चिट्ठी काठमांडू तक पहुंच भी गई, लेकिन जब उस चिट्ठी को, चिट्ठी जब महारानी तक पहुंची तो एक बाहर एक पैरामीटर लगा हुआ था जो हर एक कम्युनिकेशन को फ्रिस्क करता था, चेक करता था। पता चला कि एक चिट्ठी आई है, वो देखा महाराजा दिलीप सिंह, महाराणा जंग बहादुर के पास वो चिट्ठी भेजी गई। महाराणा जंग बहादुर ने इमीडिएटली उस चिट्ठी को कलकत्ता भिजवा दिया ब्रिटिश ऑफिसर के पास, आप चेक करो ये क्या है। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा यह नकली चिट्ठी है, किसी ने ऐसे ही बनाकर आपको बेवकूफ बनाया, और उस चिट्ठी को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो 1856 में वो चिट्ठी इंटरसेप्ट हुई, उसको फॉर्जरी बोला गया। उसके बाद एक पंडित नेहमिया गोरे थे, इनको भेजा गया महाराणी चिंत कौरा के पास, लेकिन राणा चंद बहादुर को इन पर भी शक हो गया और इनको कभी परमिशन ही नहीं दी गई महारानी से मिलने की, ये भी खाली हाथ लौटे।
उसके बाद 1860 में महाराजा दिलीप सिंह ने क्या किया, उसने काठमांडू का जो रेजिडेंट ऑफिसर था उसको एक चिट्ठी लिखी और उसको बोला कि मुझे महारानी जिंद कौर के बारे में बताया जाए, मुझे पता मेरी माँ यहाँ है। तो काठमांडू के रेजिडेंट ऑफिसर ने इमीडिएटली जाकर चेक किया और उसने ये डिसाइड किया कि अब ये कोई खतरा नहीं रही, क्योंकि अंधी हो चुकी है, इसमें कोई ताकत नहीं बची है, तो चल भी नहीं सकती अब, अभी हमारे लिए क्या बिगाड़ देगी, और पंजाब अब वो नहीं रहा जो था, अभी हमारा है। तो उन्होंने खबर भिजवा दी कि हाँ वो यही है, लेकिन अब वो ठीक हालत में नहीं है, वो मरने की कगार में पड़ी है, वो आज गई कि कल गई। ये खबर दिलीप सिंह को मिली, दिलीप सिंह ने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, मिला कैसे जाए, क्योंकि अंग्रेज कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा। तो उसने क्या किया, उसने एक बहाना बनाया, उसने कहा मैं बंगाल में शिकार करने जाना चाहता हूँ, शेर का शिकार करना चाहता हूँ। कई महीने लगे उसको शिकार की इजाजत मिल गई और उसने इमीडिएटली एक तार, एक चिट्ठी भेजी, तार तो नहीं, उसने बकायदा एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी भेजी और साथ में सर लॉगिन जो इसके केयर टेकर थे, जो अब इसके लिए इतने इसकी तरफ हो चुके थे, पूरा दिलीप सिंह की तरफ हो चुके थे, अब वो अंग्रेज कम रह गए थे और इनके वफादार ज्यादा हो गए थे। उन्होंने साथ में एक लेटर लिखा ताकि इस चिट्ठी को इंटरसेप्ट करके झूठ ना माना जाए और बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों के थ्रू भेजा गया। और क्योंकि अब महाराणा जिंद कौर को डिक्लेयर कर दिया गया था कि अभी थ्रेट नहीं है, वो चिट्ठी इन तक पहुंचा दी गई। इस चिट्ठी में लिखा था कि माता श्री मैं कलकत्ता आ रहा हूँ, मुझे बंगाल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, मुझे वहीं पर शिकार खेल के वहीं से वापस आना है, क्या आप मुझे कलकत्ता में आकर मिल सकती हैं। ये चिट्ठी जब जिंद कौर को मिली तो उन्हें पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्हें यकीन दिलाया गया कि नहीं, ये वाकई उन्हीं की चिट्ठी है। और जिंद कौर ने फटाफट एक संदेशा भिजवाया, जंग बहादुर से मिलने की गुजारिश की, जंग बहादुर के सामने वो पेश हुई, जंग बहादुर राणा से उन्होंने दरख्वास्त की कि मुझे जो है जाने दिया जाए, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। ब्रिटिश से इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका मन पसीजा, उसने कहा ठीक है आप चले जाइए, लेकिन एक शर्त है, अब दोबारा नेपाल की धरती पर पैर नहीं रखेंगे। ये एक बहुत मुश्किल डिसीजन था उनके लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो यहां से निकल गए, यही उनका एक आसरा है, उनको हिंदुस्तान या दुनिया में और कोई सहारा तो देगा नहीं, बेटा किस हाल में कैसे है, मिले ना मिले, कहां मिलेगा, कुछ नहीं पता, बट बेटा है, मिलना तो वो निकल गए, नहीं आऊंगी वापस, कोई बात नहीं। यहां से वो कलकत्ते की तरफ गए। जर्नी उनकी कहां से शुरू हुई, कहां तक आ चुकी है, और महाराजा दिलीप सिंह जो है वो तो पहले ही वहां पहुंचे हुए थे, एक दो दिन पहले वो जाकर अपना होटल में, स्पेंसर्स होटल वहां पर एक है, वहां पर वो आराम फरमा रहे थे। उनको पता चला कि वहां ऐसे ऐसे काफिला आ रहा है और शायद से ये महारानी जिंद कौर का काफिला है, क्योंकि खबर पहुंच गई थी कलकत्ता तक। ये बाहर निकले, बाहर रास्ते में उनकी वेट करने लग गए। जब महारानी जिंद कौर उनके पास पहुंची तो इन्होंने झुककर प्रणाम किया, रानी ने अपने बेटे को गले से लगाया, सिर पर हाथ फेरा। वो अपनी पूरी लाइफ में उतना नहीं रोई थी जितना वो उस दिन रोई, इसलिए नहीं, वो खुशी के आंसू नहीं थे कि बेटा मिल गया, वो दुख के आंसू थे क्योंकि उनका बेटा सिख नहीं था। उनको इस बात की तकलीफ थी कि मैंने ना सिर्फ अपना राजपाट गवाया, मैंने वो सब कुछ गवा दिया जो सदियों से जिसको हमने संभाल के रखा था। सिखी तो वो चीज थी, हमारा धर्म, हमारा ईमान, हमारा मजहब तो वो चीज था जिसके लिए न जाने कितनों ने सिर कटवाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाए, देखो में उबाले गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना धर्म नहीं बदला। और इन्हीं सिखों का जो सबसे बड़ा राजा है वही ईसाई हो गया। कुछ वक्त लगा उनको संभालने में, बैठ गई, फिर उन्होंने दिलीप सिंह को बोला कि अब मैं वापस तो जा नहीं सकती हूं, तो तू मुझे अपने साथ ले चल, या चल पंजाब चलते हैं। वो कहता मैं पंजाब नहीं जा सकता, अगर मैं यहां से बाहर निकला इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लेना है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो सारी जब्त हो जानी है और फिर मैं जेल में ही मरूंगा, कोई फायदा नहीं है, समझदारी इसी में है कि मैं लंदन वापस चला जाऊं।
उन्होंने कहा नहीं, अगर तू चाहेगा तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी, तुझे जहां भी जाना मुझे लेके चल। उसने बिना किसी को बताए, बिना किसी को पूछे, चुपचाप से महारानी को जहाज में बिठाया। जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स थे, पेपर वर्क था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चुपचाप वो करवाया, इनको जहाज में बिठा लिया और लंदन की तरफ रवाना हो गई। रास्ते से तार पहुंच गई कि महारानी जिंद कौर को इंग्लैंड लाया जा रहा है, तो जो पोर्ट था वहां पर पहले इंतजाम कर दिए उनको अरेस्ट करने के, क्योंकि टेक्निकली वो आज भी भगवान है। जब वो वहां पहुंची तो उनको इमीडिएटली अरेस्ट नहीं किया गया, इनको महाराजा दीप सिंह को आराम से लेकर अपने घर तक, जो इन्होंने एक घर खरीदा हुआ था वहां, पैलेस खरीदा हुआ था बाकायदा, कासल, वहां ले गए, अंदर ले जाकर बिठाया। और जो सर जॉन लॉगिन है, उनकी जो वाइफ थी लेडी लॉगिन, वो इनसे मिलने आई। और हमको ये इतनी अच्छे से डिटेल इसीलिए मालूम है क्योंकि लेडी लॉगिन जो थी, इन्होंने लफ्स बाय लफ्स ये किताब में दर्ज किया है महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा दिलीप सिंह की पूरी जीवनी और महारानी जिंद कौर का जो पूरा स्टे है इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि ये पूरा टाइम इनके साथ रहे, क्योंकि ये इतनी ज्यादा फैसिनेटेड थी लेडी लॉगिन, इन्होंने इतनी तारीफ सुनी थी जिंद कौर के बारे में कि वो बहुत खूबसूरत है और उनका कोई मुकाबला नहीं, वो जेवरा जो वो पहनती है, जिस तरह वो चलती है, और पूरा पंजाब जब उनके आगे झुकता है तो तारीफें सुन सुन के वो बहुत एक्साइटेड थी कि महारानी जिंद कौर जो है वो लंदन आ रही है। जैसी वो आई तो सबसे पहले लेडी लॉगिन उनसे मिलने को पहुंची, और कहते हैं कि जब लेडी लॉगिन वहां से निकलने वाली थी तब तक महाराजा दिलीप सिंह ने एक तोहफा लाकर महारानी जिंद कौर को दिया। महाराजा दिलीप सिंह ने क्या किया था, बनारस में इनके सारे गहने जेवरा वो पड़े हुए थे, और इन्होंने करीब करीब एक साल मेहनत की, मुशक्कत की, कई महीने लगे, इन्होंने वो सारे खरीदे और वो लंदन मंगवा लिए थे, और वो कोइंसिडेंटली उसी वक्त पहुंचे। और लेडी लॉगिन के सामने वो जब जेवरात आए तो उन्होंने दरख्वास्त की, तो महारानी जिंद कौर ने आज फिर वो सारे जेवरात दोबारा से पहने, और इसमें कोहिनूर शामिल नहीं था, कोहिनूर तो पहले जा चुका था, वो सारे जेवरात दोबारा से पहने, और लेडी लॉगिन ने फिर वो चीजें अपनी किताब में लिखी। ये उनकी लिखी हुई एक बात है। She says, yet the moment she grew interested and excited in a subject, unexpected gleams and glimpses through the haze of indifference and the torpor of advancing age revealed the shrewd and plotting brain of her who had once been known as the Messalina of Punjab. Messalina कोई अच्छा वर्ड नहीं है, क्योंकि मैसेलिना वो रानी हुई थी जिसने अपने राजपाट को खत्म करने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए थे कि वो इतिहास के उन काले पत्रों में उसका नाम दर्ज हुआ है, जिसको लोग कभी इज्जत से नहीं देखते। तो अंग्रेजों ने महारानी जिंद कौर को बदनाम करने के लिए उसको नाम दिया मैसेलिना ऑफ पंजाब, कि ये वो औरत है जो अपना राजपाट बर्बाद करने पर तुली हुई है, इसने जो आया उसको मार दिया, बगावतें फैलाई और न जाने क्या क्या गलत काम किए ताकि राज पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ये वो जगह है मुलग्रेव कासल यॉर्कशायर में, जो महाराजा दिलीप सिंह ने खरीदी हुई थी, जहां पर ये रहती थी। लेकिन दो चार दिनों के अंदर अंदर जिस फौज ने घेरा हुआ था, क्योंकि सिपाही तो अब सब तरफ से आगे तरफ देख रहे थे क्या चल रहा है, क्वीन विक्टोरिया के ऑर्डर आ चुके थे रानी जिंद कौर को यहां से निकाल के दूर ले गए, और जहां उनको अपने बेटे से बिछड़ने का दुख सारी उम्र रहा, अब बेटे से बिछड़ने का दुख तो आगे भी चला, अब तो वतन से बिछड़ने का दुख भी हो गया था, अपनी सरजमी से बिछड़ने का दुख भी हो गया था। वो हिंदुस्तानी तरीके जो थे, इंडियन स्टाइल की जो शान शौकत थी, दासियां और वो सब कुछ नहीं था उनके पास। एक सादे तरीके से एक छोटे से कमरे में वो अपनी जिंदगी के दिन बतीत करने लगी, और महाराजा दिलीप सिंह को सख्त हिदायत थी उनसे नहीं मिल सकते, और दिलीप सिंह तो क्या कोई भी इनसे नहीं मिल सकता। कभी कभार हफ्तों कोशिश करने के बाद एक बार कुछ घंटों के लिए मिलने की इजाजत मिला करती थी। महाराजा दिलीप सिंह उनसे मिलने जाते तो वो सिर्फ पंजाब की और सिखी की बातें करती, और उन्होंने फिर अपनी आखिरी इच्छा
महाराजा दिलीप सिंह को बताया, उन्होंने कहा कि अब मैं और जिंदा नहीं रह सकती, अब मुमकिन नहीं है मेरे लिए। मेरी इच्छा यह है कि मेरे को पंजाब ले जाया जाए, मेरे पति की जो समाधि है लाहौर में वहीं पर मेरा भी अंतिम संस्कार किया जाए, और जब मैं मरूं मेरी आंखें बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आंख बंद करोगे तो आंख से एक बूंद पानी निकल के गिर जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि इस काफिर जमीन पर मेरी आंख का एक पानी भी गिरे, एक बूंद पानी भी गिरे मेरी आंख से। 1st August 1863 she died. उनका इंतकाल हुआ, इमीडिएटली एक चिट्ठी क्वीन विक्टोरिया को भेजी गई कि महारानी चंद्रबारा की डेथ हो चुकी है, इनको लाहौर लेकर जाना है एज पर हर लास्ट विश, इनकी अंतिम इच्छा के अनुसार। द आंसर वॉज वन वर्ड, डिनाइड, नहीं जा सकते। कई महीने लगे परमिशन लेने में, और तब तक की लाश बर्फ पर पड़ी रही। जो मेडिकल प्रोसीजर्स थे जिससे इस लाश को कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व किया जा सकता था, वो किया, बर्फ के कास्केट में डाल के एक कोने में रख दिया, और महाराजा दिलीप सिंह लगे रहे कोशिशों में, क्योंकि वो यहां जाना चाहते थे लाहौर में। कई महीनों बाद इजाजत मिली, लेकिन लाहौर की नहीं। पहले तो उनको ये बोल दिया कि ठीक है आप लाहौर ले जाओ, खुशी खुशी आप देखा ना था। उन्होंने फटाफट ताबूत उठाया, जहाज पर चढ़ गए। जब तक वो बॉम्बे की बंदरगाह पे उतरे, एक और चिट्ठी उनके हाथ में थी, आप लाहौर नहीं जा सकते। तो उन्होंने वहां के ऑफिसर से झगड़ा किया, बहस की कि मेरे पास क्वीन विक्टोरिया की साइन लेटर है, मैं अपनी मदर का अंतिम संस्कार एज पर हर लास्ट विश लाहौर में करने वाला। तो अंग्रेज अफसर ने कहा मेरे पास भी क्वीन विक्टोरिया का ही तार है, और मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, पर क्वीन विक्टोरिया ने कहा है कि अगर आप लाहौर गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, आप लाहौर नहीं जा सकते। बल्कि लाहौर तो छोड़िए, अब यहां से आगे नहीं जा सकते, जो करना है यही करिए। इतनी इजाजत मिली कि वहां से कुछ दूर पंचवटी तक चले जाइए, पंचवटी घाट था, अंतिम संस्कार वहां किए जाते थे, वहां अंतिम संस्कार करने की इजाजत मिल गई। तो गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में कपूरथला के राजा ने आके रिस्पेक्ट दिखाते हुए वहां पर एक छोटा सा मेमोरियल तैयार कर दिया, पंचवटी गोदावरी। और महाराजा दिलीप सिंह कुछ नहीं कर पाए, जहाज पकड़ा, अगले दिन वापस निकले। यहां से अब वो तब्दीली शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अब एक ऐसा झटका उनको लग चुका था जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने तय किया कि वो इससे ये बनेगा। उन्होंने फिर से सिख बनने का फैसला किया। पंजाब से कुछ सिख गए थे, उनके साथ मुलाकात की, और ये तय किया गया कि लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा होगा, और ये जाकर वहां पर फिर से हमले चकेंगे और सिख सजेंगे। इन्होंने अपने बाल बढ़ाने शुरू कर दिए, ये निकल भी पड़े। अब की बार किसी से इजाजत नहीं ली, लेकिन खुफिया तरीके से खबर तो पहुंच गई कि ये सब चल रहा है, इनको रास्ते में ही रोक लिया गया। तो इन्होंने चोरी छुपे एक जगह जाकर, कोई सेरेमनी नहीं हुई, कोई बहुत बड़ा भव्य आयोजन नहीं हुआ, जो 8-7 लोग इनके साथ थे उनके साथ मिलकर उन्होंने अमृत छका, और ये फिर से सिख बने। लेकिन इससे इनको कोई फायदा नहीं हुआ, सिख तो बन गए, पर पंजाब में वो सिख कहां बचे थे जो इनकी तरफदारी करते। दरबार तो अंग्रेज हो चुका था, इनको ये समझ में आ गई कि ये लाहौर नहीं जा सकते। कई इलाकों से घूमते नामते ये रशिया चले गए। रशिया के जार के साथ इन्होंने बहुत बातें की, उसको कई महीने तक समझाने की कोशिश की कि आप हिंदुस्तान पर हमला करिए, मैं आपको तरीके बताता हूँ, रास्ते बताता हूँ, मेरे साथ आज भी ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो वफादार हैं, जो आपकी मदद करेंगे, और अंदर की वो सारी खुफिया राज आपको बताएंगे जिनसे आप फतेह हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये वो दौर था जब जार अपने वहां पर रेवोल्यूशन झेलने वाले थे, अंदर ही अंदर एक आग शुरू हो चुकी थी उस वक्त। तो उन्होंने फैसला किया कि अभी हम किसी और मुल्क पर हमला नहीं करेंगे। इस दौरान
महाराजा रंजीत सिंह की, महाराजा दिलीप सिंह की फैमिली भी बन चुकी थी। उन्होंने दो शादियां की, एक महारानी बंबा, बंबा मदर, बंबा शब्द दो बार बंबा शब्द का जिक्र आता है, एक इनकी वाइफ की, एक इनकी डॉटर का नाम भी बंबा रखा गया था। उनको बंबा सदरलैंड के नाम से डिफरेंशिएट करते हैं, ये बंबा मलर थी। और एक डगलस, एडा डगलस इनकी वाइफ थी। इनके तीन बेटे थे और पांच बेटियां थी, कुल आठ बच्चे थे। अनफॉर्चुनेटली इन आठों में से किसी के भी आगे बच्चे नहीं हुए, इनकी फैमिली यहीं खत्म हुई। जार से काफी बातचीत करने के बाद जब ये कुछ नहीं कर पाए तो छुपते छुपाते ये फ्रांस चले गए, कुछ दिन वहां बिताए और वहीं इन्होंने आखिरी सांस लिया 22 अक्टूबर 1893। और इनके, इनको दफनाया गया इनकी वाइफ महारानी बंबा और बेटे प्रिंस एडवर्ड के साथ सेंट एंड्रयूज चर्च पेरिस। पर हमारी कहानी यहां खत्म नहीं होती। डायनेस्टी में अभी एक शख्स बाकी था, वो थी प्रिंसेस बंबा। प्रिंसेस बंबा ने क्या किया, उन्होंने इंग्लैंड में एक एडवर्टाइजमेंट निकाला और उन्होंने कहा कि मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, कोई मेरा साथ देगा। और दौर ऐसा आ चुका था कि अब काफी चीजें न्यूट्रल हो चुकी थी, वो राजशाही वो सब अब चलता नहीं था, परमिशन की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब ये तो एज ए रॉयल रहते ही नहीं थे। तो एक लेडी थी मैरी जिसको पिक किया गया, हंगेरियन थी, वो डिसाइड हुआ कि वो इनके साथ चलेंगी। तो बंबा और मैरी आई हिंदुस्तान और मुंबई पहुंची, बॉम्बे पहुंची। यहाँ से उन्होंने हिंदुस्तान घूमना शुरू किया, ये डलहौजी से लेके मैक्लोडगंज, धर्मशाला, मसूरी, कई इलाकों में घूमी, पहाड़ी रास्तों में घूमी, लाहौर गई, इन्होंने सब कुछ देखा समझा। और इसी दौरान जो मैरी थी उन्होंने उमराव सिंह शेरगिल से शादी की, उनकी बेटी हुई अमृता शेरगिल, द फेमस पेंटर। और ये लोग हंगरी चले गए, द शेरगिल फैमिली ये हंगरी जाके रहने लगे जहाँ पे अमृता का जन्म हुआ। प्रिंसेस बंबा ने यहाँ पर डॉक्टर सदरलैंड थे उनसे शादी कर ली, तो ये बंबा सदरलैंड। और इस दौरान इन्होंने एक अच्छा काम किया, अपनी दादी की आखिरी इच्छा के मुताबिक उनकी जो समाधि बनी हुई थी पंचवटी में उसको खोला, उनकी अस्थियां निकाली और लाहौर लेकर गई। महाराजा रणजीत सिंह की जहां पर समाधि थी वहीं पर दफनाई। दस मार्च 1957 She died in Lahore, and that's how the Sikh dynasty, the Khalsa dynasty, ended. She is buried in the cemetery of Lahore, the Christian cemetery of Lahore. जिस रानी ने, जिस राजा ने इतने लोगों को एक साथ मिलाया, और महाराजा रणजीत सिंह का राज तो ऐसा बोला जाता है कि वो अपने हर एक सिपाही का और अपने हर एक नागरिक का इतना ख्याल रखते थे, इतना ख्याल रखते थे कि ना तो वो कभी धर्म का भेदभाव करते थे ना ही किसी और चीज का। कहा जाता है कि एक बार कुछ सिख उनके पास गए और उनको कहा कि लाहौर में ना हमें बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ किस बात से? अजान से। जब सुबह सुबह अजान दी जाती है तो हमारी नींद खराब हो जाती है, हमारी नींद में खलल पड़ता है, हम चाहते हैं कि आप अजान बैन कर दें। महाराजा रणजीत सिंह बहुत अच्छे थे, वो किसी का दिल नहीं तोड़ते थे। उन्होंने कहा ठीक है, बैन कर देते, आज से अजान बंद, लाहौर में अजान नहीं होगी। लेकिन अजान का मतलब क्या है? अजान का मतलब यही है कि जो लोग हैं उनको बुला लिया जाए, उनको बता दिया जाए कि नमाज का वक्त हो गया। तो मैं बंद तो कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं आपको जाकर रोज सुबह इनको जगाना पड़ेगा सहरी के वक्त, अजान से पहले या अजान के उस वक्त पे, ताकि ये अपनी इबादत के लिए लेट ना हो, वक्त पर पहुंच सके। सिखों ने कहा ठीक है, इसमें तो एक आदमी की मेहनत रहेगी, बाकी तो आराम से सो लेंगे। तो ये तय कर लिया कि ठीक है, एक शख्स रोज सुबह उठा करेगा, ड्यूटीज बंद गई, वो जाके सबको जगा दिया करेगा और अजान की जरूरत ही नहीं है। फिर हफ्ता 10 दिन चला, सिखों ने खुद ही जाके बोल दिया कि ये हमारे बस का नहीं, अजान शुरू करा दो। और ऐसे और भी बहुत सारे किस्से हैं।
जो हमारे साथ रंजीत सिंह के साथ एसोसिएटेड है, उन्होंने कैसे सबको एक साथ मिलाया। सबसे बड़ा काम उन्होंने किया हरी सिंह नलवा जो उनके जनरल थे, उनको बोला कि ये जो नादिर शाह और अब्दाली है जो हमले कर करके इन्होंने पंजाब को इतना खोखला बना दिया है, अब इसको थोड़ा ठीक किया जाए। तो हरी सिंह नलवा ने क्या किया, जब अटैक हुआ अगला तो उन्होंने उस अटैक को ना सिर्फ रोका, वापस भगाया हमलावरों को और यहाँ से सीधे जाके दर्रा खैबर में बैठ गए। तो अफगानिस्तान और पंजाब के बीच में एक वही एक ऐसी जगह थी दर्रा था, जहाँ पर हिमालय इतना गैप आपको दे देता है कि कोई भी आराम से आ सकता था जा सकता था। हिमालय पार करके अगर आ सकते तो चीन कब का हिंदुस्तान पर कब्जा कर चुका था, पर हिमालय हमारा सबसे बड़ा रक्षक है। तो वो उस दर्रा खैबर पे 12 साल तक वो बैठे रहे और किसी को वहां से आगे नहीं जाने दिया। और उसी दौरान में पंजाब और बाकी का हिंदुस्तान जो फला फूला हुआ, अफसोस के कुछ लोग किश्तियों से नीचे से आ गए और उन्होंने ताकत के दम पर नहीं पैसे के दम पर सब कुछ हथला लिया। और हरी सिंह नलवा और महाराजा रंजीत सिंह के बाकी जितने जनरल थे उनका ईमान आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हरी सिंह नलवा एक कुजंगी सिख थे। कुजंगी का मतलब ये होता है कि वो शपथ लेता है कि मैं तब तक ब्रह्मचर्य में रहूंगा जब तक ये काम कोई पर्टिकुलर काम ये पूरा नहीं हो जाता। तो उन्होंने तो ताउम्र कुजंग लिया हुआ था कि मैं तब तक नहीं आसे गिरूंगा जब तक मैं जिंदा हूं, क्योंकि मुझे रक्षा करनी है। तो वहां पर जब ये बैठे हुए थे तो आसपास के जो गांव थे वो खाना वगैरह पहुंचा दिया करते थे। एक लेडी थी जिनको हरी सिंह नलवा पसंद आ गए, तो उन्होंने आके काफी बार इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन रखा गया। अब इन्हें समझ ना आए कि उनसे बात कैसे की जाए और उन्हें कैसे बताई जाए दिल की बात। सोच सोच के उनको एक जुमला सूझा जो उन्होंने जाके हरी सिंह नलवा से बोला। उन्होंने कहा, सरदार जी मैं चाहती हूँ मेरा जो बेटा हो ना वो आप ही के जैसा हो, बिल्कुल आप जैसा तेजस्वी और इतना ही ताकतवर। तो उन्होंने कहा, देखिए जी मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, आज से मैं आपका बेटा बनना शुरू। ये सिख और इनको क्या बना दिया गया आज हम सब जानते हैं। इस कहानी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अगर कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए वक्त के साथ तब्दीलियां हुई। तो हुआ क्या था, जब नादिर शाह और अब्दाली जैसे लोग ऊपर से हमला करते थे तो जितना इलाका है जो आज की तारीख में पाकिस्तान में फॉल करता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं थे। मुगल फौजें या लोधी की फौजें या तुगलक की फौजें उस समय वहां नहीं बैठा करती थी, वो जाती थी जंगल के आ जाया करती थी। तो वो इलाका एक वक्त में नो मैन्स लैंड की तरह रहा, किसी ने भी उसके ऊपर ऑन पेपर्स ठीक है आपके दस्तावेजों में चल रहा है कि ठीक है ये इलाका इसके पास है, ये इलाका इसके पास है, बट आपका वहां पर कोई सिपहसालार बैठा नहीं हुआ उसको मैनेज करने के लिए। बेशक
अरे आप ऐसे लाहौर और अमृतसर के इलाके में पढ़ते जो कॉमर्स नहीं, ये फ्लरिश बाद में, ये फ्लरिश का जो हमारे को जो पुराने जो रेफरेंसेस मिलते हैं, सी कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त से लाहौर चला आ रहा था, कभी वक्त आया कोई इधर से आगे तक आ गया, उधर से पीछे पीछे धकेलते हुए इधर से आगे निकल गया, ये अप डाउन चलता रहा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बादशाह हुए हैं जिन्होंने लाहौर में जाके एक लंबे अरसे तक वहाँ पर वो बैठे हैं, वहाँ से उन्होंने राज के अकबर भी गए हैं लाहौर, वो वहाँ बैठे। तो लाहौर को जो आज की तारीख में जिस लाहौर को आप जानते हो वो सिख राज के दौर में ही पला फूला है, क्योंकि जितनी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बाद में हुई है, जो पुरानी जो कंस्ट्रक्शन थी, जब कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो उससे सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आती है कि और यहाँ तो और लोग यहाँ रहने को आ रहे हैं, यहाँ ये एक्सपेंड हुआ, तो एक्सपेंशन, वो एक्सपेंशन बाद के वक्त में ज्यादा हुई है, हमारे पास पुराने स्ट्रक्चर्स कम है बाद के ज्यादा है। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ जो है 27 जून 1849